हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में आज हम यूपी पीसीएस प्री 2018, जिसकी एग्ज़ाम की डेट है 28 अक्टूबर, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम कुछ कृषि से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड 4 से 5 प्रश्न यूपी पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य क्या है? और ये क्वेश्चन सीडीएस एग्ज़ाम 1999 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा, एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य है फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष। तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। एग्रो मतलब फसलें और सिल्वीकल्चर मतलब ईंधन के वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? और ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2004 और पीसीएस के एग्ज़ाम में भी एक बार पूछा गया है। और इसका सही आंसर होगा वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया है, तो हमारा सही आंसर हो जाता है झांसी। ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 1997 में एक बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAFED किससे संबंधित है? और ये UPPCS परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। NAFED संबंधित है ये कृषि उत्पादकों के विवरण से। ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? और ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है और कई बार भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में। ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इज़राइल। ऑप्शन बी। और ड्रिप सिंचाई पद्धति में ही सबसे कम पानी का वेस्ट होता है। सिंचाई में सबसे कम पानी का वेस्ट किस पद्धति के द्वारा होता है? तो ये होता है ड्रिप सिंचाई पद्धति से। और इसका जन्म स्थान माना गया है इज़राइल में। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस सिंचाई पद्धति से पानी का नुकसान सबसे कम होता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो इसका आंसर भी हो जाता है ड्रिप सिंचाई पद्धति। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिला करके आपको इन चारों में से सही ऑप्शन को बताना है। लिस्ट 1 में दिए गए हैं कुछ योजनाओं के नाम और लिस्ट 2 में बताना है कि उसका प्रारंभ वर्ष क्या है। और ये अलग से भी पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। पहला दिया गया है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। और तीसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। तो स्वर्ण जयंती ग्राम वाली की 1999 और शहरी वाली की 1997। और लास्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसका प्रारंभ हुआ था 2000 में। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ वर्ष क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन MPPCS में भी और UPPCS में भी 2002 में और UPPCS मेंस में भी 2002 में और UPPCS 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में जो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो बेसिक शिक्षा ये सम्मिलित है,
पोषाहार, पेयजल तथा स्वास्थ्य ये भी सम्मिलित है। ग्रामीण, सड़कें तथा आवास ये भी सम्मिलित है। क्या सम्मिलित नहीं है? ये है लघु उद्योग, ये सम्मिलित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है आंसर। और ये परीक्षा यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है। और अभी हमने पहले देखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये प्रारंभ कब हुई थी, तो ये प्रारंभ हुई थी 2000 में, सन 2000 में, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये ऑप्शन ग्रामोदय योजना 2000 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1988 में, 1988 में। और ये क्वेश्चन एसएससी की एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया है, ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 के अलावा ये और कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1992 में, ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, बही बानवे, बासे बही बासे बानवे, 1992। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ वर्ष क्या था? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ वर्ष था 1999 2000, ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन मेंस 2003 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? प्रश्न 2005 में पूछा गया है, चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है दलहन व तिलहन के उत्पादन से, दूसरा है नकद फसलों के उत्पादन में वृद्धि से, तीसरा है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से, और चौथा है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कृषि उपज योजना, इसका संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, वो आपको दलहनी फसल बतानी है जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, तो ये है फ्रेंच बीन, क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? चार ऑप्शन दिया है, तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा अर्थवर्म, केंचुआ, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। और ये यूपी पीसीएस मेंस 2005 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति सोयाबीन के जड़ों में गांठें बनाती हैं? 2006 में पूछा गया प्रश्न है, और हमारा सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम। कई प्रजाति हैं तो, बट जो गांठें बनाती हैं वो हैं राइजोबियम जैपोनिकम, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन आईएएस की परीक्षा 2000 में और यूपी पीसीएस की परीक्षा 2006 में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रेगुर किसका नाम है? ज्योग्राफी में से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रेगुर है एक प्रकार की काली मिट्टी, बिहार परीक्षा पीसीएस में 2002 में पूछा गया प्रश्न है ये, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? चार ऑप्शन दिया गया, कॉपर, मैग्नीज, सल्फर, मैग्नीशियम। तुम्हारा सही आंसर हो जाता है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव होता है? और ये इसका सही आंसर हो जाता है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इज आवर सॉरी ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। भारतीय मृदा में सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है,
और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। और एक क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग क्या है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। चार ऑप्शन दिया गया है और ये क्वेश्चन MPPCS के एग्ज़ाम 2006, 2010 और कई बार भी रिपीट हुआ है UPPCS की भी एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर हो जाता है लाल मिट्टी, रेड सॉयल। ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है लाल मिट्टी। तो ये कुछ कृषि से संबंधित प्रश्न थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इन क्वेश्चन को आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। इससे पहले भी क्वेश्चंस कृषि से रिलेटेड अपलोड किए गए हैं चैनल पर, उसको भी आप देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।